स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। अब्सोल्यूट एंड फ्रैक्शनल एरर की हम बात करेंगे। तो वी नो दैट एरर इन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू। मान लो हमारे पास में ये ट्रू वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम्स मेजर कर लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट मेजरमेंट में जो मेजर्ड वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं A1, सेकेंड टाइम मेजर करेंगे मेजर्ड वैल्यू क्या मान लिया A2, और n टाइम मेजर किया मेजर्ड वैल्यू को क्या मान लेते हैं An। तो अब इन सभी का मीन निकाल लेते हैं, तो इन सभी का मीन क्या आ जाएगा, Am इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस An अपॉन n। सभी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, मीन वैल्यू आ गई हमारे पास में। और इसी मीन वैल्यू को अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। सो An, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि A1, A2, A3, An को हम समेशन फॉर्म में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, समेशन Ai। 1, 2, 3 की जगह क्या कर दिया मैंने Ai, अपॉन में क्या था n, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, मीन वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं देखो अब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट एरर इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। अब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू और यदि ट्रू वैल्यू है तो ट्रू वैल्यू ले लेंगे, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मतलब प्रत्येक वैल्यू जो हमने मेजर की है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल का, मतलब प्रत्येक वैल्यू की बात करेंगे, एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट एरर। जैसे यहां हमने मान लो फिजिकल क्वांटिटी को एन टाइम मेजर किया, फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू क्या थी A1, सेकंड मेजर्ड वैल्यू क्या थी A2, एंड सो ऑन, nth मेजर्ड वैल्यू क्या आई हमारे पास में An। अब देखो अब्सोल्यूट एरर, इस केस में अब्सोल्यूट एरर क्या क्या आएंगी, जो फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर आएगी उसको मैं नाम दे देता हूं डेल्टा A1। दिस डेल्टा A1 इज फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर, इसके बराबर आ जाएगी मीन वैल्यू माइनस में फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू। इसी प्रकार से डेल्टा A2 सेकंड अब्सोल्यूट एरर क्या आएगी, Am माइनस में A2 एंड सो ऑन, nth अब्सोल्यूट एरर आ जाएगी वो क्या होगी, डेल्टा An इज इक्वल टू Am माइनस में An। दीज आर अब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर, सेकंड अब्सोल्यूट एरर एंड डेल्टा An के nth अब्सोल्यूट एरर। अब देखो ये जो एरर है अब्सोल्यूट एरर में बी प्लस और माइनस कैसे हो सकती है, कि जैसे मान लो मीन वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज कोई भी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं किसी मेजरमेंट की मीन वैल्यू मान लो सपोज 10.05 सेंटीमीटर है, और कोई मेजर्ड वैल्यू क्या हो सकती है 10.07, क्योंकि एरर का मतलब तो पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी। तो इस केस में यदि हम डेल्टा A1 निकाल लेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव। तो सो दीज एरर्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
इसलिए हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। सो इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, इट मे बी प्लस और माइनस। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो ये तो आ गया हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। अब इन एब्सोल्यूट एरर का यदि हम मीन निकाल लें तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बन जाती है हमारे पास में, मीन एब्सोल्यूट एरर। यदि इन एब्सोल्यूट एरर का हम मीन निकाल लें तो अगली जो डेफिनेशन आती है उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगी, डेल्टा ए मीन या डेल्टा ए बार, इसको हम डेल्टा ए बार भी कह देते हैं या डेल्टा ए मीन, किसके बराबर होगा ये क्या हमारे पास में एब्सोल्यूट एरर। इन सभी को अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, इन सभी का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ के डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू एंड सो ऑन प्लस में क्या आ जाएगा, डेल्टा ए एन अपॉन में एन। अब वी नो दैट दिस मे बी प्लस और माइनस, तो इनका मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं सभी पे, मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए वन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए टू प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए एन अपॉन में एन। सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर की जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगा, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये आया हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर को, हम ये कह सकते हैं डेल्टा ए बार और डेल्टा ए मीन। दिस डेल्टा यहाँ पर किसके लिए आया, एब्सोल्यूट एरर के लिए, मीन लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वन प्लस मॉडुलस ऑफ ए टू प्लस मॉडुलस ऑफ ए टू प्लस एंड लास्ट में क्या था, मॉडुलस ऑफ ए एन अपॉन में एन। देखो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी नंबर पे यदि हम इस प्रकार की लाइन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, और इस मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब इसके मॉडुलस, जो इसका हमने मॉडुलस ले लिया तो केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इसको पॉजिटिव में मान के चलेंगे, ये होता है मॉडुलस का मतलब। तो एब्सोल्यूट एरर्स का मॉडुलस लिया, उसको एन से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जो आती है हमारे पास में नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को हमने इस डेल्टा से ले लिया, डेल्टा ए इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, इट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, और हम यू कह देंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर को अभी हमने यू रिप्रेजेंट किया था डेल्टा ए मीन, बट इन मीन वैल्यू को ए एम से रिप्रेजेंट करते आए। सो ये आ गया हमारे पास में रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सो डिफाइन कैसे करेंगे रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। सो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। यदि यहीं से हम परसेंटेज एरर निकालें, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, यदि हम रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे
डेल्टा ए मीन अपॉन में ए एम इनटू हंड्रेड, इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये था परसेंटेज एरर। तो ये हमारे पास में डेफिनेशंस ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। डियर स्टूडेंट्स, अब इन सभी को समझने के लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन सभी को समझते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सभी डेफिनेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल क्या है, मान लो हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला और उसको 8 times 8 बार मेजर किया और हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव वैल्यूज 1.29, 1.33, 1.34, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। हमने वाटर को 8 times मेजर किया और मान लेते हैं कि ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास में, एंड 1.33। ये हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए 8 बार मान लो हमने वैल्यू को मेजर किया और ये 8 अलग-अलग वैल्यू आ जाती है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैलकुलेट मेन वैल्यू या मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा क्या बनेगा एब्सोल्यूट एरर, थर्ड रिलेटिव एरर और चौथा क्या बन सकता है परसेंटेज एरर। कि वाटर का जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मेजर किया है, मेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, रिलेटिव एरर क्या होगी और परसेंटेज एरर क्या होगी। देखो पहले हम समझते हैं मेन वैल्यू। मेन वैल्यू के हमारे पास में जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि जितने भी जो हमारे पास में मेजर्ड वैल्यू सभी को ऐड करके और 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास में ये वैल्यू जो 1.29, 1.33, 1.34 इन सभी को अपने यहाँ पर ऐड कर दिया और 8 बार मेजरमेंट किया इसलिए 8 से इसको डिवाइड कर दिया, क्या आ गई मीन वैल्यू आ गई 1.33। दिस इज द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या थी कि मीन वैल्यू माइनस में इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ये मीन वैल्यू है। अब हम फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो मीन वैल्यू में क्या घटाएंगे, पहला मेजरमेंट 1.29, तो क्या आ जाएगा 1.33 माइनस 1.29 दैट इज इक्वल टू 0.04। इसी प्रकार से दूसरी एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन वैल्यू में दूसरा मेजरमेंट घटा देंगे क्या आ गया 0.00। तीसरी जो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, मीन वैल्यू 1.33 इसमें से तीसरा मेजरमेंट क्या है 1.34 ये घटा दिया। अब देखो ये किसका आ गया माइनस का, क्योंकि एरर है प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। इसी प्रकार से जो आठवीं जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू में से आठवां मेजरमेंट घटा देंगे 1.33 कितना आ जाएगा 0। अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट एरर, अब क्या बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में ये जो मीन वैल्यू आई थी इन सभी के मैग्नीट्यूड का मीन लेंगे। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस साइन आएगा उसको छोड़ देंगे, सभी को प्लस में लेके इनको ऐड करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। देखो 0.04 प्लस 0.00 प्लस में 0, ये जो माइनस का था इसको भी प्लस का कर दिया अपन ने और लास्ट वैल्यू क्या दी 0, सभी को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये दोनों हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी, जो हमने अवॉइड कर दिया था तो क्या लिख दिया प्लस माइनस 0.02, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद में कौन से निकालनी है हमें, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर जिसको हम इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी, मीन एब्सोल्यूट एरर बटे मीन वैल्यू। ये क्या हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर आई, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से, ये आंसर क्या आ गया हमारा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। यदि यहाँ से हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेफिनेशन क्या थी कि फ्रैक्शनल एरर को यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी
परसेंटेज एरर, इसको अपन ने 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1.5%, दिस इज परसेंटेज एरर। सो ये था हमारे पास में टॉपिक एरर का। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।